हम दुश्मनी भी ऐसे करते हैं कि लोग हमें सदियों तक याद करते हैं। अपने हितों को आगे रखने वाला अमेरिका हमेशा छोटे देशों का दमन कैसे करता है, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी जो आपको जरूर जाननी चाहिए। ईरान अमेरिका की दुश्मनी की कहानी काफी पुरानी है। ये वहीं से शुरू होती है जहां लोग जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद सड़कों पर उतरे हुए हैं। दरअसल साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इसके बाद सबसे पहला शिकार राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास ही बना था। हजारों लाखों छात्रों की भीड़ ने दूतावास पर चढ़ाई कर दी थी और वहां काम कर रहे अमेरिकी अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। उनकी एक ही मांग थी, अमेरिका फौरन से मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान वापस भेजे ताकि ये मुल्क उसके किए का उससे हिसाब ले सके। मगर सवाल ये है कि आखिर कौन था ये मोहम्मद रजा पहलवी और अमेरिका इसे क्यों बचा रहा था, इसे जानने के लिए करीब 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। पुराने दौर में पर्शियन एम्पायर था और अब इसे ईरान कहा जाता है। 2500 साल तक इस देश पर कई राजाओं ने हुकूमत की है जिन्हें शाहों के नाम से जाना गया। 1950 में ईरान की जनता ने मोहम्मद मुसादिक के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता को प्रधानमंत्री चुना। सत्ता में आते ही मुसादिक ने ईरान के तेल का फायदा सीधे अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश और यूएस पेट्रोल होल्डिंग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये वो वक्त था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से उभर चुकी थी और अमेरिका को ये यकीन हो चला था कि उसके अंदर सुपर पावर बनने की पूरी सलाहियत भी है और मौका भी। लिहाजा 1953 में उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक साजिश के तहत मुसादिक का तख्ता पलट कर दिया और एक लोकतांत्रिक देश को राजशाही में तब्दील कर मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया। 22 साल का शाह उस वक्त मशहूर था अपनी अय्याशियों और फिजूल खर्चियों के लिए। कहते हैं आलम ये था कि उसकी पत्नी पानी नहीं दूध में नहाया करती थी, जबकि शाह का लंच रोजाना पेरिस से मंगवाया जाता था। इस बात की परवाह किए बगैर कि उसके अपने मुल्क में लोग भूखे मर रहे थे, पहलवी राजवंश पर फिर से खतरा न मंडराए और सत्ता पहलवी राजवंश के ही पास रहे, इसलिए पहलवी राजवंश के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अपनी एक बेरहम आतंकी पुलिस सवाक की स्थापना की, जिसका एक ही काम था राजवंश के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बड़ा बनने से पहले ही कुचल देना। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर पर बाजार तंत्र हावी होने लगा था, मगर इसके लिए जरूरी था ईरान का पश्चिमी रंग में रंगना और शाह ने अगला कदम यही उठाया, ईरान के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेहरान फैशन का हब बन गया। कहते हैं उस दौर में फैशन पेरिस से पहले तेहरान में आने लगा था। अय्याशी का कोई ऐसा सामान नहीं था जो ईरान की राजधानी में मुहैया ना हो। 90% शिया मुस्लिम और करीब 9% सुन्नी मुस्लिमों को शाह पहलवी का ये खुला रूप बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। उनके मुताबिक अमेरिका के दबाव में शाह पहलवी ने न सिर्फ मुल्क को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है, बल्कि ईरान की तमीज और तहजीब का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। करीब 10 सालों तक ईरान को पश्चिमी रंग में बदलते हुए अपनी आंखों से देखने के बाद लोग शाह पहलवी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इन लोगों की अगुवाई इस्लामिक लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। नेशन वन से परमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।